हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमाचल तक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम JOAIT टाइपिंग टेस्ट के एनालिसिस की सीरीज़ अपने चैनल पे डाल रहे हैं, तो पहले 14 जुलाई का था, तो आज जो है हम 15 जुलाई के टाइपिंग टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। तो ये है 15 जुलाई का टाइपिंग टेस्ट पेपर, जो कि 15 जुलाई को कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए दिया गया था। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो, फर्स्ट है ये, इसमें सेकंड लाइन में ऑल क्लास, ऑल इंडिया, सेंट्रल सर्विसेज, ये सब जो हैं वो कैप्स में यूज़ हुए हैं, कैपिटल लेटर्स हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम मतलब इतना इसको टफ नहीं कह सकते, जस्ट ये है कि हाँ, इसमें कैपिटल लेटर्स ज़रूर यूज़ हुए हैं और कुछ एक कॉमाज हैं नीचे, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं हैं। तो ये ओवरऑल एक ठीक टेक्स्ट था, लेकिन कुछ लोगों को स्पेलिंग्स में हो सकता है कि ये लॉन्ग स्पेलिंग्स लगें, और कैप्स का जो रहता है प्रॉब्लम कि बार बार आपको शिफ्ट की के साथ जो कॉम्बिनेशन में अल्फ़ाबेट प्रेस करना पड़ता है, उसमें भी थोड़ी स्पीड तो ब्रेक होती है। तो जैसे यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं चेयरमैन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर यहाँ द रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इस तरह के बीच में कैप्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय कृष्णा, स्टेट सिविल सर्विस, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट था वो आया था। अब अगर हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ें तो इसमें जैसे देख सकते हैं ग्रीवेंस, रिड्रेस्ट, इस तरह के वर्ड्स हैं फर्स्ट लाइन में आप जैसे देखो। फिर अगर फोर्थ लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट्स है और स्केड्यूल ट्राइब्स है। तो ये थोड़े बीच में कैपिटल लेटर्स जानबूझ के वैसे किए गए हैं, क्योंकि थोड़ा स्पीड को टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है ये सब। तो यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट में भी हम यही देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो कैपिटल लेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, हार्डली कुछ एक कॉमास यूज़ किए गए हैं, और कोई ऐसा स्पेशल सिंबल या ऐसा कुछ भी इसमें यूज़ नहीं हुआ है। जैसे कि फोर्थ लास्ट लाइन है द फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन, राइट, तो यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स यूज़ हैं। उससे नेक्स्ट लाइन में द एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन, तो यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स हैं। देर आर नो कॉमर्स, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ज़्यादा इन कॉमर्स का यूज़ नहीं किया गया है, ज़्यादा कोई स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं किए हैं, ओनली द टेक्स्ट इज़ देयर विद द कैपिटल लेटर्स, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। नेक्स्ट पैसेज भी इसी तरह का है, यहाँ पे कोई नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोई स्पेशल सिंबल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ बीच में कुछ एक कैपिटल लेटर्स यूज हुए हैं। द होटा कमिटी, द सेक्शंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे द रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप, और बीच में यहाँ पे बस दो तीन कॉमास यूज हुए हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉमा प्रमोशन, कॉमा एम्पैनलमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ द अदर सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं थोड़ी कैपिटल लेटर्स में यूज़ हुई हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर देख सकते हैं कि जैसे लास्ट से जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ लास्ट लाइन, तो यहाँ पे देखिए हिज स्लैश हर, है ना, दो बार है ही स्लैश हर, तो ये स्लैश का यूज़ किया गया है। अदरवाइज यहाँ पे इस टेक्स्ट में भी ओवरऑल जो हमें देखने को मिला है वो बस कैपिटल लेटर्स ही देखने को मिले हैं। तो हम नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट में ये भी बहुत ज़्यादा टफ टेक्स्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही पैटर्न फॉलो किया गया है, कैपिटल लेटर्स एंड कॉमास का ही, मतलब उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ एक डिफरेंट लॉन्ग स्पेलिंग्स या किसी मतलब कैंडिडेट्स को जो डिफ़िकल्ट लग सकते हैं वर्ड्स, वो ज़रूर हैं थोड़े बहुत, जैसे कि प्रेडोमिनेंटली, एग्रेरियन इकोनमीज, पोजेशन, रिस्पेक्टेबिलिटी, ये थोड़े लॉन्ग वर्ड्स हैं, राइट। रिकमेंडेशंस, सेक्रेटरिएट, There has been a succession of committees, तो ये जो हैं यहाँ पे बस कैपिटल लेटर्स का यूज़ हुआ है। द सेक्रेटरिएट रीऑर्गनाइजेशन कमिटी, ये रहा।
और उसके अलावा ऐसा कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा सिंबल एक्स्ट्रा कुछ ऐसा स्पेशल या नंबर्स का यूज़ नहीं हुआ है। हालांकि जो टेस्ट आगे आए हैं 15 जुलाई के बाद उसमें ज़रूर ऐसा देखने को मिला है, जो कि जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 15 जुलाई का जो समरी कहती है वो यही है कि ओवरऑल 15 जुलाई के जो पैसेजेस थे उसमें भी कैपिटल लेटर्स या हार्डली कुछ एक कॉमर्स का यूज़ हुआ था, और ये बहुत ही कुछ एक मतलब लॉन्ग स्पेलिंग्स का हुआ होगा, और ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा टफ टेक्स्ट नहीं था कि जिसमें स्पीड ब्रेकर्स ज़्यादा डाले गए हों, जैसे कि नंबर्स है या जो भी है। तो इसीलिए ये भी एक 14 जुलाई के पैटर्न वाला ही टेक्स्ट था। तो आगे के टेस्ट के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जैसे कि आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्ट्रोक्स वाली पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूं, तो हम आपके साथ ये कोशिश करेंगे कि स्ट्रोक्स वाली पीडीएफ शेयर कर दें सारे डेट्स की। लेकिन वैसे अगर आपको चेक करना है तो आप जो टाइप टेक्स्ट होता है आप उसको ऑनलाइन गूगल की जो वेबसाइट्स होती हैं आप उस पर भी अपना जो टाइप टेक्स्ट है उसको डाल सकते हैं। गूगल पे आप जब सर्च करोगे स्ट्रोक्स काउंटर टाइपिंग स्ट्रोक्स काउंटर, तो उस पर कभी काफ़ी वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ पे आप अपना टाइप टेक्स्ट के स्ट्रोक्स काउंट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे कि कितने स्ट्रोक्स टाइप हुए हैं। नो डाउट आई विल ट्राई टू शेयर द पीडीएफ्स विद द स्ट्रोक्स काउंट ऑल्सो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।